माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब केश गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को, बोलिए जरा जोर से सभी लोगों को सुबह की राम राम। अदरक का मौसम आने वाला और सभी लोगों की इच्छा होती है चाय में अदरक डाल के पी जाए। लोग कहते हैं ना अदरक अदरक वाली कड़क चाय बनाना। अदरक क्या है? मैं अदरक को आज कुछ एक नए दृष्टिकोण से देखकर आपको बताने की कोशिश करूंगा। बात सबसे पहले सूखी हुई अदरक यानी सौंठ की करते हैं। छोटे बच्चों को यदि बारंबार एलर्जी हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, या आप जिसे कह देते हैं नज़र लग रही है, यदि आपको लगता है कि नज़र लग रही है, तो अदरक के सूखे हुए टुकड़े जिसे आप सौंठ कहते हैं, इतने बड़े टुकड़े में ले लीजिएगा और इस टुकड़े में काले रंग का धागा बांध के गले में इस प्रकार से पहना दीजिएगा जो यहाँ टच हो। इसे सोमवार मंगल शनिवार किसी भी दिन पहना सकते हैं। सोमवार मंगल और शनिवार प्रभु की कृपा से इन सभी परेशानियों में कमी आना शुरू हो जाएगी, शनि शनि ये ख़त्म भी हो जाएंगे। हाँ, बाकी परहेज तो करने ही पड़ेंगे। एक चीज़ और जो बहुत विशेष है और सौंठ वहाँ कमाल करती है, घर में कभी कभी लड़ाई झगड़े बढ़ने शुरू हो जाते हैं और ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते चले जाते हैं, इतने बढ़ते चले जाते हैं कि व्यक्ति परेशान होने लगते हैं। आप एक काम कीजिए, सभी लोगों से एक एक सौंठ ले लीजिए। सौंठ खरीद के लाए, सब लोग उसे अपनी मुट्ठी में बांधे और कहें आप नहीं लड़ना है, और इस प्रतिज्ञा के साथ वह सौंठ किसी कागज़ में ले लीजिए। अब उस सौंठ को लेकर आप नदी के नहर के किनारे जाकर किसी भी मिट्टी में थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोदकर दबा दीजिए। शाम को ये कार्य कर लीजिए, दिन में भी कर सकते हैं काम, किसी भी दिन ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन ये कार्य कम से कम 21 बार रिपीट कीजिएगा और आप देखिएगा आपके घर में शांति आएगी, कलह खत्म होगी। ऐसा ये अद्भुत उपाय है। एक चीज और बताता हूं, सौंठ के बारे में अभी बात कर रहा हूं। जिन लोगों की श्वास की परेशानियां बढ़ रही हैं, सांस की दिक्कत जिन लोगों को रहती है, जिन लोगों को बोलने में हाफी आती है, थोड़ा सा चलने में हाफी आती है, सर्दी से जिनकी श्वास फूल जाती है, ऐसे लोगों को सौंठ चूसनी चाहिए। ऐसे करके मैं उस सौंठ की बात नहीं कर रहा हूँ जो गोलगप्पे में भर के आप चटकारे लेकर खाते हैं, मैं उस सौंठ की बात कर रहा हूँ जो सूखी हुई अदरक, उसे चूसना चाहिए, खूब अच्छे से चूसना चाहिए, उसको चबा लेना चाहिए। थोड़ी खट्टी सी लगेगी लेकिन यह आपकी श्वास की दिक्कतों को दूर कर सकती है, आपकी पेट की दिक्कतों को दूर कर सकती है। अब बुजुर्गों की बात मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता है? सौंठ का काढ़ा पीजिए और शरीर का दर्द कम कीजिए। देखिए सौंठ से दवाइयां भी बनती हैं, वो तो आप वैद्य से लेकर आइएगा, लेकिन मैं आपको एक सामान्य सी बात बताता हूं। आप 1.5 कप पानी में थोड़ी सौंठ उबाल लीजिए और उसका काढ़ा बना लीजिए। जब वो 1 कप रह जाए तो उसको चाय की तरह से पीना शुरू कीजिए। यह दिन में 2 बार कीजिए। धीरे धीरे जो आपकी बोन्स में इन्फ्लेमेशन होता है, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत दर्द होता है, गठिया जैसा दर्द होता है या गठिया ही हो जाती है, अर्थराइटिस हो जाती है, वह इससे कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ वक्त तो लगेगा, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो जाएगा। इतनी गुणकारी चीज़ है ये, इतनी गुणकारी चीज़ है, तो इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। एक चीज़ मैं बच्चियों को, स्त्रियों को ख़ास तौर से कहना चाहता हूँ, ओवेरियन कैंसर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो लोग अदरक का और सौंठ का नियमित प्रयोग करते हैं, नियमित प्रयोग थोड़ा सा, ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है क्योंकि उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन जो लोग नियमित प्रयोग करते हैं, जैसे ग्रीन टी आपने दिन में 2 या 3 बार ले ली और उसमें अच्छे से अदरक, जिससे अदरक का स्वाद खिल कर आए, इस प्रकार से ले ली, या आपने सौंठ का इतना बड़ा टुकड़ा चबा कर खा लिया, उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, वो इतने मजबूत होते हैं,
कि उन्हें आसानी से ओवेरियन कैंसर नहीं हो सकता। ये बहुत बढ़ रहा है, डॉक्टर्स इसके लिए आपको बहुत सचेत कर रहे हैं लगातार, तो इससे उसमें कमी लाई जा सकती है। और साथ ही साथ अगर भगवान ना करे किसी की कीमोथेरेपी हो और कीमोथेरेपी चल रही हो, ऐसे लोगों को चिकित्सीय सलाह ले लीजिएगा। लेकिन बहुत सारे वैद्य लोग ये कहते हैं कि ऐसे लोग यदि सौंठ के काढ़े का प्रयोग करें या अदरक का प्रयोग करें या अदरक की बिना दूध वाली चाय का प्रयोग करें, तो ऐसे लोगों की उस कीमो के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। तो केवल स्वाद ही नहीं है अदरक, जो आप पी रहे हैं वह आपके शरीर को ताकत दे रही है। और सबसे बड़ी ताकत क्या है, बॉडी सेल्स मजबूत हो रहे हैं। आज का जो दौर है उसमें हमें ऐसी चीजें ज्यादा खाने को मिलती हैं जिसमें लेड बढ़ गया है, या ऐसा जल ज्यादा पीने को मिलता है जिसमें लेड बढ़ा हुआ है, इसीलिए आप देखिए कैंसर फैल रहा है। घरों के जो पेंट्स आते हैं, अब सब चीज़ें ख़त्म तो कर नहीं सकते, घरों के जो पेंट्स हैं या छोटे छोटे बच्चों के जो कलर टॉयज़ आते हैं और वो उसे मुंह में दे लेते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सेल्स को कमज़ोर करती हैं। और सबसे ख़तरनाक चीज़ तो तंबाकू गुटखा, जिसका प्रयोग बहुत बढ़ रहा है, सिगरेट जिसका प्रयोग बहुत बढ़ रहा है, जबकि सरकार लगातार सचेत करती चली जा रही है। तो ऐसे लोग यदि सौंठ का प्रयोग करेंगे तो उनको उनकी मुसीबतों से छुटकारा आसानी से और जल्द मिलेगा। कितनी गजब की चीज है, कितनी गजब की चीज है ये। और बताता हूं आपको, सुनिए, सौंठ घर के अंदर नकारात्मकता खत्म करती है। जी हां, यदि आपके घर के कोनों में सौंठ लटकी हुई है सफेद रंग के धागे में, और वह डिस्टेंस है, जैसे ये दीवार है, ये लंबी सी कील है और यहाँ लटकी हुई है और छोटा धागा है जिससे वो उड़ के दीवार से टच ना हो, और ऐसा 5-6 जगह है, तो आपके घर से दुर्गंध और नकारात्मकता गायब होगी। अब ये कैसी दुर्गंध, एक तो खान पान के सड़ने वाली वो सब दुर्गंध होती है, वो गायब नहीं होगी, वो तो रूम प्योरीफायर और स्वच्छता से ही गायब होगी। लेकिन जब नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है तो शरीर से भी और घर से भी एक अजीब सी बास आने लगती है, वो ठीक होने लगेगी। और इसके साथ साथ यदि आप सुबह और शाम अपने घर में जटामासी, कपूर और गाय का घी, गोदरेज जिसे कहते हैं, और गाय के उपले पर अग्नि प्रज्वलित करके उसे घर में घुमाने लगे, तो आपके घर में नकारात्मकता बिल्कुल जाएगी, सकारात्मकता खूब आएगी, आप अच्छा महसूस करेंगे, घर में तरक्की होगी। अदरक की एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में खतरे कभी भी आने लगते हैं, परेशानियां कभी भी महसूस होने लगती हैं। अदरक के स्लाइस को काटिए गोल गोल, ठीक, बीच में हल्का सा छेद कर लीजिए और उसे मंगलवार को ओम अंग अंगारकाय नमः से सिद्ध करके अपने गले में पहन के निश्चिंत हो जाइए और शेर की तरह लड़िए बुरे वक्त से। When the going gets tough, the tough gets going। और देखना प्रभु की कृपा से, आपकी अपनी मेहनत से और इस उपाय से आप विजयी हो गए। बस आप गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये उपाय केवल ईमानदार व्यक्ति की मदद करते हैं, जो दुष्ट करेगा वो और परेशान हो जाएगा, आप जीतोगे। ऑस्ट्रेलिया में कुछ ऐसी रिसर्च हुई है मेलबर्न यूनिवर्सिटी में, जिससे ये पता चला है कि जो लोग अदरक का नियमित सेवन करते हैं उनको टाइप 2 शुगर आसानी से नहीं होती है, या जिस घर में बड़ों को टाइप 2 डायबिटीज़ है उस घर के बच्चे यदि अदरक का नियमित रूप से प्रयोग करते हैं तो वह इससे बच सकते हैं। एक और चीज़, जो खिलाड़ी हैं या जो लोग रेगुलर जिम में जाते हैं, पुशअप्स करते हैं, ऐसे लोगों के कोलोन में सूजन आ जाती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं उनके भी आंतों में सूजन आनी शुरू होती है, ये सूजन कोलाइटिस भी बन जाती है, बन सकती है, डॉक्टर्स बेहतर बताएंगे इसके बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ ये बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन जो लोग अदरक का सेवन करते हैं उनको इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। एक और चीज जान लीजिए कि जिन लोगों को खाना खाने में रुचि कम होती है या जो लोग खाने को पचा नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए अदरक बहुत काम करती है। कैसे, अदरक कस लीजिए, उसमें थोड़े से पुदीने के या धनिया के पत्ते डाल दीजिए,
ठीक, बहुत बारीक बहुत बारीक टमाटर उसके अंदर डाल दीजिए और हल्का सा केवल काला नमक डालकर थोड़ा सा नींबू डाल दीजिए। खाने से कोई आधा घंटा पहले यह खाइए, उसके बाद खाना खाइए। देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, आपका फैट नहीं बनेगा या कम बनेगा, बेहतर आप खा पाएंगे और आपको नोजिया की यानी वॉमिटिंग वगैरह की या उल्टी जैसी आने वाली परेशानियां नहीं महसूस होंगी। कितना बड़ा फायदा है। तो कितनी सारी चीजें और इतनी सारी चीजें अभी बतानी रह गई है, लेकिन ऐसा करते हैं कि फटाफट मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक का दिन भर का हाल जान लेते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। मेष राशि, अपने पेट और कमर का ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे, मसालों का दान करें, अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, माता के स्वास्थ्य की ओर से चिंता बनी रह सकती है या मामा मौसी ननिहाल या कोई भी व्यक्ति उसके स्वास्थ्य की तरफ से कहीं कोई परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। ओम दुर्म दुर्गाय नमः का जप जरूर करें, फिर अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और ठंड से थोड़ा सा परहेज रखिएगा, बाकी तो सब ठीक है, फिक्र ना करें। मन आज कुछ चंचल है, कंट्रोल। उपाय क्या करेंगे, शम शनिश्चराय नमः का जप करें और उसके बाद काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, यह दिन धन की स्थिति के लिए बहुत अच्छा नहीं है, तनाव पीछा नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। खासतौर से वो लोग जिनको सर की हृदय की रक्त संबंधी कोई समस्या रहती है वो थोड़ा सा अलर्ट रहे और जो परहेज चिकित्सक ने बताए हैं करें, अच्छे से करें। उपाय क्या करना है, रुद्राय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटे। सिंह राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, रुका हुआ धन वापस आ सकता है, किसी अच्छे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, बड़े भाई बहनों के सहयोग से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। सूर्य को जल दें, अपने काम पर जुटें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, यह दिन प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन पिता से मतभेद ना हो इस बात का ध्यान रखें। कोई मित्र आपको परेशान करने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन फिर भी समय अनुकूल है, भाग्य पक्ष साथ देगा। उपाय क्या करना है, गंगणपताय नमः का जप करें, काम पर जुटे, वो सब ठीक करेंगे। अदरक की कुछ ऐसी चीजें जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि इससे ये फायदा हो सकता है या आपने सोची भी नहीं होंगी इससे ये नुकसान भी हो सकता है। राम राम गौरव जी। जी राम राम गौरव जी, चरण स्पर्श। जी जी प्रभु जी बहुत खुश आपसे बात कर पा रहा हूँ। बताइए बताइए पंडित जी, थोड़ा सा ना काम कभी बहुत अच्छा हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है, एक वित्तीय स्थिरता नहीं बन पा रही। जी हाँ जी हाँ, देखिए ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इतना तो है कि एक मजबूत आर्थिक स्थिति मार्च 2020 के बाद होगी, तब तक क्या करना है बहुत ध्यान से सुनिए, चीजें बेहतर होंगी। और बृहस्पति का तुला राशि में जाना ये भी आपको कुछ चीजों में बेहतरी करेगा। देखिए शीशे से संबंधित, रबड़ से संबंधित, भोजन से संबंधित, कपड़े से संबंधित काम या जल से संबंधित, केमिकल से संबंधित, खुशबू से संबंधित काम यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो इन 3 वर्षों में आपको धन की कमी नहीं होगी। ठीक, प्रॉपर्टी का काम आपको सूट नहीं करेगा, ये बहुत ध्यान रखिएगा। बिल्डिंग मटेरियल का काम आपको बहुत ज़्यादा सूट नहीं करेगा, लेकिन टैक्सीज का काम आपको अच्छे तरीके से सूट कर सकता है। तो जो मैंने काम बताएं, एक तो आप ये कीजिए, तरक्की होगी, पक्का होगी। पहली चीज़ तो बृहस्पतिवार के दिन, हर बृहस्पतिवार के दिन पीले चावल पकाते हैं जिसको तहरी बोलते हैं या पीली खिचड़ी बोल देते हैं, हाँ जी पीले चावल पकाएंगे, आप सीख लीजिएगा। पीले चावल पका के और दिन में किसी भी वक्त आप कुछ गरीब लोगों को खिलाएंगे या मजदूरों को खिलाएंगे,
ये आपको अपने हाथ से खिलाने, चाहे पैकेट बना के ले जाइए, किसी भी तरीके से बड़े सेवा भाव से खिलाइए। अब से लेकर मार्च 2020 तक ये उपाय चलना है, ठीक है जी। आपको प्रभु जी पीछे रहने नहीं देंगे, बस ये उपाय आप करते रहिएगा। इतने बीच में कर्ज की समस्या भी आएगी, या हो सकता है आप कर्ज की समस्या से जूझ रहे हो, क्योंकि शनि राहु की स्थिति इस कुंडली में ऐसी बन रही है। उसके लिए एक उपाय कर लीजिएगा, मंगल को सूर्योदय के वक्त एक दीपक आप जलाएंगे जो रात में अपने आप बुझे, ठीक ये मंगल के दिन करना है, सूर्योदय के वक्त करना है, इतना तेल आदि उसमें होना चाहिए। बस ये दोनों उपाय करने से, और अपनी मेहनत आप करते रहिए, ज़्यादा दुखी परेशान होने की आवश्यकता है नहीं, और डरिए मत, ये वक्त डराता बहुत है, आपको द्वंद्व में डाल देगा, करूँ ना करूँ, पता लगा वक्त गुजर गया। ये उपाय कीजिए, डरना मना है, और आपके इष्ट हैं शिव जी की उपासना कीजिए, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की होगी। अब दिन भर का हाल जान लेते हैं तुला से लेकर मीन राशि वाले लोगों का, उपाय खास तौर से नोट कर लीजिएगा। तुला राशि, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, भाग्य पक्ष आपकी मदद कर रहा है, बस थोड़ा सतर्क होकर कार्य करते रहिएगा, छोटा सा उपाय कर दीजिएगा, चावल का दान करते हैं आज, बाकी प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, आज मन बहुत द्वंद्व में फंसा रहेगा, चिड़चिड़ापन आ सकता है, जिसकी वजह से कहीं कोई परेशानी हो सकती है, चिंता मत कीजिए, पूरे उत्साह के साथ काम कीजिए, अभी सूर्य को जल दीजिए और गायत्री का जप कीजिए जितना भी वक्त हो आपके पास, और हुंकार भर के अपने काम पर जुटिए, सब ठीक होगा। धनुराशि, आज थोड़ा संभल के चलना है, वाहन बहुत ध्यान से चलाना है, और किसी से कोई वायदा करते वक्त बहुत ध्यान रखें, परेशानी ना हो जाए कहीं, उपाय क्या करेंगे, आज आप मसाले का दान जरूर कर दें। मकर राशि, समय थोड़ा सा अनुकूल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन दोपहर के बाद किसी व्यक्ति की मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन आज आप भावुक बहुत हो जाएंगे, बस उस समय किसी को कुछ देना नहीं, या कोई देने का वायदा मत करें, उपाय क्या करना है आज, सरसों के तेल का दान जरूर कर दीजिएगा। कुंभ राशि, घर गृहस्थी में कोई परेशानी दिखाई दे रही है, पार्टनरशिप में कोई दिक्कत दिखाई दे रही है, मित्र आज आपसे बहुत ज्यादा खुश नहीं रहेंगे, आज आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखिएगा, चुपचाप रहिएगा, और एक छोटा सा उपाय जरूर कर दीजिएगा, आज चावल का दान आप जरूर कर दीजिएगा, बाकी तो प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मीन राशि, भाग्य पक्ष बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, आपको अपनी मेहनत बढ़ानी पड़ेगी और धैर्य भी रखना पड़ेगा, काम बाधाओं से पूरे होंगे, लेकिन पूरे होंगे, चिंता ना करें, एक छोटा सा उपाय कर लें, नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, ओम नारायण नमो नमः, मन से करिए, फिर जुटिए अपने काम पर, तो सब ठीक करें। अब हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो चलिए हम जिन्हें जाने या ना जाने, लेकिन कहेंगे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे हैं, मंगल कार्य होंगे, घर संबंधी कोई कार्य हो सकता है, नौकरी में, व्यापार में, या पढ़ने लिखने में अच्छा परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, बस 2-3 समस्याओं का ध्यान रखें, यदि आपको रक्त संबंधी व्याधियां हैं तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, कोई रिश्ता जो आप अपने आप जोड़ बैठेंगे भावुकता के चलते, वो आपको परेशान करेगा और खासा करेगा, बाकी अच्छा है, एक उपाय करते रहिए, आप सोमवार को, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को दही का दान देते रहिए, बुजुर्गों की खूब केयर कीजिए, सफलता मिलेगी, ऑल द बेस्ट। अब मैं चलते चलते अदरक के नुकसान की भी बात बताता हूँ, जो लोग अदरक बहुत ज़्यादा खाते हैं उनकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ने से उनको नुकसान होता है। दूसरी बात, प्रेग्नेंट लेडीज़ को अदरक ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे पर, पेट गर्भ के अंदर के बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। और तीसरी चीज़, जो लोग अदरक हर वक्त ऐसे कचर कचर गाजर की तरह खाते हैं ना, जी मैंने देखा है खुद ऐसे लोगों को, उन लोगों को
खासतौर से महिलाओं को हार्मोनल सिस्टम पर बुरा असर पड़ता है। और बहुत ज़्यादा अदरक खाएंगे ना जब आप, तो गुस्सा भी आने लगेगा। गुस्सा नहीं करना, खुश रहना और सबको खुश रखना। पॉजिटिविटी भगवान से जोड़ देती है, नेगेटिविटी भगवान से दूर कर देती है। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।